शहर के रेड लाइट एरिया में तब खलबली मच गई जब पुलिस ने बिना कोई जानकारी देते हुए सेक्स वर्करों के काम बंद कर दिए और गंगा जमुना सेक्स वर्कर बस्ती को सील कर दिया। जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अर्बन सेल अध्यक्ष ज्वाला धुटी रेड लाइट एरिया में पहुंची और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर सैकड़ों सेक्स वर्कर मौजूद थी और पुलिस का भारी बंदोबस्त भी दिखाई दिया। पेश है संवाददाता संजय मिरे की क्राउन रिपोर्ट रेड लाइट एरिया से, आइए देखते हैं। संतरा नगरी की बदनाम गली कही जाने वाली गंगा जमुना बस्ती को पुलिस ने सील कर दिया है। अब यहाँ पर देह व्यापार का धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। इस बस्ती में आने वाले बाहरी ग्राहकों पर पुलिस सीधी कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है कि उन्होंने इस इलाके का निजी वाहन में दौरा किया। कोरोना संक्रमण की इस दौर में यहाँ पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता नहीं नजर आया। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब गंगा जमुना बस्ती में देह व्यापार के अड्डे को बंद करने के लिए बस्ती को सील कर दिया है। हमारा कोई अभी से नहीं, हमारा कई सालों से जो चल रहा है हमारा काम, हमारी जिंदगी खराब है, हमारे बच्चों के नहीं कर सकते। हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हम स्कूल जाएंगे कहाँ से जाएंगे, हम आवाज नहीं करना, हम खाएंगे क्या, हमको कोई कौन हमसे शादी करेगा, हमारी जिंदगी तो खराब हो चुकी है, कौन हमसे अब शादी करने वाला है। लेकिन पुलिस ने जो आरोप लगाया कि अभी कोरोना नियमों का पालन नहीं होता, कोई कोरोना नहीं है, सब झूठ है, हर जगह कोरोना हो चुका है, गंगा जमुना में कोई कोरोना नहीं है। पुलिस अपने आप ये लगा रही है, कोई हम पे हम कोई जवान थोड़ी है ना, हम बूढ़ी बाढ़ी है तो हम कहाँ जाएंगे। हम पुनर्वसन के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप धंधे से छोड़ा जाता तो आपको पुनर्वसन नहीं, हम धंधे छोड़ना, हम यही है, हम यही हम हमारी जिंदगी खराब हो चुकी है, हम ये नहीं छोड़ सकते। जो कमिश्नर ऑफिस है सारे उनने हमको कोई इत्तला नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, सीधी गंगा जमुना में पुलिस लगा दी है। गंगा जमुना बस्ती का करीब 300 वर्ष पुराना इतिहास है। इस बस्ती की कुछ महिलाएं और दलाल बाहरी राज्यों से महिला को लेकर उनसे देह व्यापार कराते हैं। इस बस्ती में कुछ महिलाएं बस किराए लेकर कमरे को देह व्यापार के लिए देती है। इनके कमरे के पैसे की वसूली दलाल सक्रिय है। गंगा जमुना बस्ती में उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की वारांगनाओं को लाकर उनसे देह व्यापार कराए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है। यहाँ पर ज्यादातर वारांगनाएं बाहरी राज्यों से लाई जाती है, वह कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद वापस चली जाती है। स्थानीय स्तर पर वारांगनाओं की संख्या काफी कम है। स्थानीय वारांगनाओं व लंबे समय से इस बस्ती में रह रही वारांगनाओं के पुनर्वसन पर विचार किया जाएगा। कुछ वारांगनाओं के बच्चे आसपास की इमारतों में रहकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। गंगा जमुना बस्ती को सील कर दिया गया है और सेक्स वर्करों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। आदि जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस अर्बन सेल की अध्यक्ष ज्वाला धुटी इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। प्रसिद्धि माध्यमांच्या सन्माननीय मंडळींना हे सांगू इच्छिते की विदर्भाच्या इतिहासात नोंद आहे की ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क मध्ये विदर्भातल्या सर्व वारांगणा माता भगिनींनी विदर्भवीर विदर्भ केसरी भाऊ जांबंतराव धोटेंना राखी बांधायच्या। विदर्भवीर भाऊ जांबंतराव धोटेंनी या सगळ्या माय भगिनींचा भाऊ म्हणून त्यांचं रक्षण करण्याचा बेडा उचलला होता। आज भाऊ हयात नाही आहेत, परंतु भाऊंची ही ज्वाला आज या सगळ्या माता भगिनींचा भाऊ म्हणून त्यांच्या न्यायासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या अधिकारासाठी सडकेवर उतरेल आणि वेळ प्रसंग पडल्यास तर पोलिसांवर आक्रमण सुद्धा आम्ही करू, शस्त्र सुद्धा हातात उचलू। आज आपण देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्याच्या वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे। आता उद्या परवा आपला 75वा स्वातंत्र्य दिवस आहे। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में BCN की टीम गंगा जमुना परिसर में है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे CP साहब के आदेश पर सील लगाने की बात कही गई है। ऐसे में हजारों जो सेक्स वर्कर है कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाने की कगार पे, ऐसे समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस की अर्बन सेल की अध्यक्ष ज्वाला धोटे इस समय हमारे साथ में आई, उनसे जानना चाहिए। ज्वाला जी, ये बताए कि जिस तरह से ये जो आंदोलन छेड़ा जा रहा है और यहाँ सील करने की बात कही गई है, ये कितनी कारगर साबित है? सबसे पहले इन
एनबीसीएन न्यूज का मैं आभार मानती हूँ कि इस कवरेज के लिए, इस भावना प्रधान कवरेज के लिए, इस मार्मिक कवरेज के लिए, इंसानियत के कवरेज के लिए आप लोग इधर सब मौजूद है। संजय भाई आपका मैं आभार मानती हूँ और आपके चैनल को अनेक शुभकामनाएं देती हूँ कि सच्चाई आप जनता के सामने लाए करके। हमारी बाजू ये सत्य की बाजू है। हमने चोरी छुपे कोई व्यवहार किया नहीं, चोरी छुपे कोई धंधा किया नहीं, चोरी छुपे कोई बिजनेस किया नहीं। जो कुछ भी किया है डंके की चोरों ने किया है। अच्छा तो जब पुलिस से इस प्रकार की जो बातें कही है, आज हम देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में वारंगाना जो सेक्स वर्कर है बाहर आ चुकी है, क्या आंदोलन, क्या आपकी अगली रणनीति होगी, व्हाट विल यू हैव नेक्स्ट स्ट्रेटेजी? देखो पुलिस वाले ने ये काम किया, शुरू किया है, अब पुलिस वाले ने इसका अंत करना, इन सभी माता बहना का पालन पोषण का, पुनर्वसन का, इनके बच्चों के पढ़ाई का, इनके खर्चे की जिम्मेदारी माननीय अमितेश कुमार जी ने उठानी और उनके पुलिस विभाग ने उठानी। जिस तरह तुम और हम इस देश के नागरिक है, उसी तरह मेरी ये बहनें भी इस देश की नागरिक है। भले ही विदर्भ वीर, विदर्भ सिंह, इन सभी का मसीहा, इन सभी का भाई जांबवंतराव धोटे इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी औलाद ज्वाला धोटे अभी तक जिंदा है। और जाते जाते आखिरी का सवाल यह है कि अगर आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया गया और आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आपकी अगली रणनीति क्या पुलिस प्रशासन के खिलाफ होगी? और मेरा दूसरा सवाल यह भी है, क्या इस पूरे इस कार्यक्रम के इसमें कोई राजनीति, कोई राजनेता का हाथ है? ये हम नकार नहीं सकते, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, इसमें राजनीतिक हाथ नहीं है करके। सीपी साहब पे भी कुछ प्रेशर रह सकता है और सीपी साहब का स्टेटमेंट मैंने आज पेपर में पढ़ी हूँ कि उन्होंने बोला है कि यहाँ के आजू बाजू के नागरिकों ने कंप्लेंट की है। ठीक है, ये महिलाएं और नागरिकों के घर में जाती है, उनको परेशान करती है, उनसे गाली गलौज करती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को अधिकार है इन पे कार्रवाई करने का। ये महिला एकदम शांति से, भाईचारे से, कायदे के चौखट में रह के अपना देह व्यवसाय करती है। ये माँ बहने अगर दरवाजे के अंदर हो गई ना, तुम हम जैसी महिलाएं समाज में रह नहीं पाएंगे, घर घर में बलात्कार होंगे, घर घर में अति प्रसंग के। बालाजी आपका बड़ा कदम क्या रहने वाला है इसके बाद? संघर्ष, त्याग, लड़ना, ये मेरे खून में है। ईंट का जवाब पत्थर से भी हमको देते आता है। पुलिस अगर नरमाई से पेश आएंगी, पुलिस ने अपना रुख बदला, तो हम पुलिस के भूमिका का स्वागत करेंगे, मगर पुलिस अगर अपने अड़ियल स्वभाव पे अड़ी रही तो ईंट का जवाब पत्थर से हमको देते आता है। तो आपके जवाब देते, जिन्होंने बखोदर देते के साथ बात करते हुए कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर पुलिस प्रशासन नहीं मानती है तो, लेकिन एक बात तो है कि आज जिस प्रकार से हजारों की तादाद में यहाँ की जो सेक्स वर्कर आज सड़क पे उतर चुके हैं, उनके जो कामकाज बंद है, कोरोना का कार्यकाल है, ऐसे में काफी कामकाज प्रभावित हुए, भूखे मरने की नौबत भी आ रही है। एक तरफ भूखे मरने की नौबत और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की बात, आखिरकार ये इसके ऊपर में कैसे अमल किया जाएगा, आगे की बार क्या होगा, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन देश को आजाद हुए 75 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, ऐसे में देश के लोग क्या सही मायने में आजाद है या नहीं, ये सवाल आज भी बना हुआ है। गंगा जमुना परिसर से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरा, बीसीएन न्यूज नागपुर।